हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी तोरण पट्टी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चेन लेनी है। इस तरह से चेन ले लेनी है। जितने लंबाई बॉर्डर की रखनी हो उतनी चेन ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी ली है बना के दिखाने के लिए डिजाइन। तो आप इतनी लंबाई लें जितना तोरण बनाना चाहती हैं लंबाई में। अब हमें लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट चेन में डाल लेंगे, इस वाले में, इससे जस्ट पास वाले में, और सिंगल क्रोशिए से टाइट करते हुए इसे इस तरह से ले लें। और इसकी लंबाई आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या चौड़ाई बॉर्डर की रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चेन में डाल लेंगे और बीच में से निकाल के इस तरह से पीछे वाले धागे से टाइट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में, और इसको इस तरह से ले आए, पीछे वाले धागे से टाइट भी हो जाते। फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से हमें ये बनाना है। अब हम पीछे के छोड़ सकते हैं, दो छोड़ देंगे, दो अपने साथ रखेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे उनके साइज के लिए। नेक्स्ट चेन में तो इस तरह से हमें बनाते जाना है। जितनी चेन हमारी है लंबाई पूरे पे इसी तरह से बनाने। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से इतना बना लिया है। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। चाहे तो दूसरे कलर का बना सकते हैं या सेम कलर का भी। तो अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले हम नीचे से लेंगे 3, इसके 3 धागे लेंगे और ऊपर वाले के 3 धागे लेंगे। धागे थोड़े सीधे करके लेने पड़ेंगे। और अब वाइट को पिंक के ऊपर से डाल लेंगे, अंदर से निकाल लेंगे पिंक को वाइट के। देखिए इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे निकालना है। अभी हमें वापस वाइट लेने, पिंक के अंदर से निकालना है। अभी पिंक लेंगे, 3 लेने। ये इससे आप चाहे 4 भी धागे ले सकते हैं, लेकिन सारे एक साथ आने चाहिए तभी डिजाइन बनेगा। देखो एक रह जाता है तो ये सारे साथ लेने होंगे। इस तरह से ये हमारा डिजाइन आएगा। अभी हमें व्हाइट लेना है वापस से, 3 व्हाइट। अभी पिंक लेने,
छूटने नहीं चाहिए बीच में, इसलिए थोड़े अच्छे से देख के लेंगे, छूट नहीं जाए। इस तरह से ही हमारा ना जो डिजाइन है गुत्ता जाएगा और अच्छा निकलता जाएगा। इस तरह से पूरा बन जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम पूरा बना लेंगे, तीन इधर से लेंगे, तीन उधर से लेंगे और बीच में से निकलता है तो जाएंगे। अभी वाइट लेंगे, पिंक में से निकाल लेंगे, पिंक लेंगे तीन। इसमें कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, तो हम आपको कंटिन्यू दिखाते रहेंगे अलग अलग डिज़ाइन बना के। इसमें ये मैंने दो कलर में बनाया है, आप सेम कलर में भी बना सकते हैं, एक ही कलर में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इसके बीच में से भी निकालना है इस तरह से। पिंक निकाल लेंगे तीन, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा, सुंदर डिज़ाइन बनेगा ये। ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरे में बना लेंगे तीन तीन धागे लेके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इतना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। इतना बनने के बाद ये थोड़ा उभर के आया है, सेम वैसे ही बनेगा। बहुत आसान डिजाइन है और बहुत सुंदर है। इसे हम एक कलर में भी बना सकते हैं। ये देखो, तीन धागे लेने हैं बस और इसमें डालने हैं, फिर ऊपर वाले के तीन धागे लेने हैं और इसमें डालने हैं। सीधा देखना, उल्टा सीधा देख के इस तरह से। इसमें आप चार धागे भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, या कोई और डिजाइन भी बना सकते हो। बहुत डिजाइन बनते हैं इसमें, तो हम अलग अलग डिजाइन बताएंगे आपको। इस तरह से हमें बना लेना है। फिर थोड़ा इस तरह से हमें खींच लेना है इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा बन के तैयार है।
एक्स्ट्रा धागे हैं जो हम वो सारे निकाल देंगे। ये हमने दो कलर में बनाया है और थोड़ा चौड़ाई भी ठीक रखी है, चौड़ाई भी ठीक है इसकी। ये हमने एक कलर में बनाया है, इसके हमने ये धागे थोड़े छोटे रखे हुए हैं। आप चाहे तो बड़े रख, ये इसमें हमने मीडियम रखे हैं और आप इससे भी चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा धागे रख के ये इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इन धागों को एडजस्ट कर लेंगे बांध के। ये हमने सिंगल कलर में बनाया है और चौड़ाई में कम बनाया है, और ये डबल कलर में और मीडियम चौड़ाई ली। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।